और जय हिंद एवरीवन। तो ये आप लोग स्क्रीन पे एक फोटो देख सकते हो जो कि एक भाई ने अपने सारे डॉक्यूमेंट को काट दिया है, ठीक है, फाड़ के रख दिया सब डॉक्यूमेंट। हो सकता है ये भाई इंडियन आर्मी में ओवर एज हो, या फिर मेडिकल में अनफिट, या फिर रिटर्न में अनफिट, या कुछ भी हो सकता है, उनके साथ कोई भी चीज़ हो सकता है। लेकिन उसके दुख के कारण, जो बहुत ज़्यादा दुख लगा होगा, इसीलिए अपने डॉक्यूमेंट को फाड़ दिया है। मैं एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी कोई बंदा इंडियन आर्मी की तैयारी करता है, अगर वो सिलेक्शन ना हो पाता है ना, मेहनत करने के बावजूद भी, तो काफ़ी दुख होता है दिल में। मन करता है बहुत कुछ करने की, मन करता है गलत गलत चीज़ें करने की, बहुत ज़्यादा मन करता है, ठीक है। तो एक बात कहना चाहूँगा, ये सब डॉक्यूमेंट फाड़ना अच्छी बात नहीं है, चाहे वो जेरोक्स कॉपी हो। कुछ लोग बोलेंगे ये जेरोक्स कॉपी है, ओरिजिनल तो नहीं फाड़ेगा। ठीक है भाई, जेरोक्स हो चाहे ओरिजिनल हो, कोई भी हो, लेकिन उसको फाड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए, एक तरफ से गलत है ये चीज़, ठीक है। डॉक्यूमेंट को फाड़ना, चाहे जेरोक्स कॉपी हो या ओरिजिनल हो, एक तरफ से बहुत गलत है ये चीज़। दूसरी तरफ से मैं कहना चाहूँगा, कुछ लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। मैं खुद भी बहुत चीज़ गलत करने की सोच लेता हूँ, लेकिन फिर भी कंट्रोल कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा माइंड में आ जाता है, पॉजिटिव माइंड में आ जाता है, ठीक है, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है मेरे भाई। ये जो सोचते कि साला इतना साल मेहनत किया, इतने साल मेहनत करने के बाद भी ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो ये चीज़ सोचने के बाद ना बहुत कुछ करने का मन करता है, ठीक है। खुद को खत्म, अपने आप को ख़त्म करने के भी मन में आ जाता है, लेकिन फिर भी क्या करें, कंट्रोल होना पड़ता है, ठीक है। पॉजिटिव माइंड में रहना पड़ता है हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। थोड़ी देर के लिए चलो नेगेटिव सोच लेते हैं, लेकिन बाद में पॉजिटिव आना पड़ता है। तो कहना चाहूँगा, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। क्या बताया, जो किस्मत में होगा वही होगा भाई। हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना, ठीक है, हमें काम है सिर्फ मेहनत करना, ठीक है, सही रास्ते का चुनना, ठीक है। बाकी कामयाबी ऊपर वाले जरूर देंगे मेरे भाई, मेहनत का फल जरूर मिलता है, सबको मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन कहना चाहूँगा कि जिंदगी में हार जीत रहेगा मेरे भाई। आज अगर हम हारा हुआ इंसान है, हो सकता है आने वाला टाइम हम जीतने वाले के लिस्ट में रहेंगे, ठीक है। तो आज हारेंगे तो कल जीतेंगे, ये तो पक्का है मेरे भाई, ठीक है। जो गरी का जो कांटा होता है ना, ये एक जगह में नहीं रुकता है मेरे भाई, ये पूरे घूमता है, ठीक है। तो ऐसे भी हमारा भी चलेगा, हमारा भी सिक्का एकदम पलटेगा, ठीक है। तो चलते अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना परिवार का भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।